नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम स्वामी नरेंद्र देव है। मैं यहाँ पर आर्य समाज वैदिक योग आश्रम में रहता हूँ। आपकी उम्र कितनी है सर? हमारी उम्र लगभग 62 वर्ष हो गई। अच्छा, कितने सालों से आप इधर रह रहे हैं? यहाँ 25 साल हो गया। 25 साल। तो आपका बचपन कहाँ बीता? बचपन गांव में बीता। कहाँ पे गांव, उसका पता क्या? मऊ जिले में एक बिलभद्रपुर गांव पड़ता है। अच्छा, वहाँ पे कोई नदी तालाब वगैरह? वहाँ पर पिंवा पकड़ी का ताल है। अच्छा, कितना बड़ा है वो ताल? तो बहुत बड़ा है, अब लगभग अब तो सूखने लगा है। अच्छा, तो आप अगर बचपन में चले जाएं, क्या उम्र रही होगी जब आप वहाँ रहे होंगे? हाँ, हम लोग कक्षा 5-6 तक अपना उधर तालाब में घूमने जाते थे भैंसों चराने। अच्छा, तो अब मैं आपको ना वापस आपके बचपन में ले जाना चाहूँगा। तो मुझे बताएं कि जब आप पहली बार नदी को या तालाब को देखे तो कैसा महसूस हुआ होगा? कुछ याददाश्त है ऐसा? नहीं, तालाब को देख करके बहुत अच्छा लगता था और बहुत लंबी दूरी में था तो हमको तैरने का ढंग तो आता नहीं था और इसलिए हम लोग किनारे ही रहते थे। तो अगर मन करता था तो भैंस पर चढ़ करके उस तालाब में घूम लेते थे। उस टाइम क्या प्रचलित कहानी थी उस नदी की, जब आपको संज्ञान में आया कि ये कोई तालाब है और इस तालाब की कोई कहानी आप लोगों के बीच में रही होगी? इस टाइम तालाब की कहानी यूँ है कि वो बहुत बड़ा कई गांव से लगा हुआ है और काफ़ी वहाँ ये विदेशी चिड़िया भी आती थी, मछली उछली तो होते ही थे सारे जो है, और बहुत मल्लाह रोज मछली मारने जाते थे। इस प्रकार का ये उनका जीवन था। वहाँ नाव वगैरह चलती थी? हाँ, नाव चलती थी। तो एक गांव से दूसरे गांव कनेक्ट करने के लिए नाव थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और उसके आसपास जंगल झाड़ियाँ क्या थी? जंगल झाड़ियाँ नहीं थी उसके आसपास। अच्छा, सब वीरान था, खेत था। सड़क वगैरह थी चारों तरफ? सड़क नहीं था, वो तो एकदम बहुत दूर है। तो आप लोग कैसे आते जाते थे? पैदल पगडंडी पे जाते थे। अच्छा, उस तालाब के आसपास क्या सब्जियां होती थी, फसल क्या होती थी? तो बहुत दूर गांव से दूर था ना। हाँ। तो सब्जी लोग नहीं बोते थे, ये धान की खेती कर लेते थे, गेहूँ की खेती कर लेते थे, बस यही कर लेते थे। आपका कोई ऐसा टाइम जो आपने वहाँ पे बहुत मज़ेदार उस तालाब के साथ? मज़ेदार क्या, जब हम लोग भैंस चराने जाते थे तो वहाँ यही कबड्डी है, चिकई है। चिकई क्या होता है? चिकई एक दूसरे को पकड़ने को खाते हैं। अच्छा, पकड़न पकड़ाई का गेम था। और क्या था इसके अलावा गेम? अब यही था, अब किनारे और क्या मिले, कोई पेड़ पालो था नहीं। हाँ। उस पर कूदा जाए कोई, ऐसा कुछ नहीं था जो है। अच्छा, हाँ तो यही होता। और गर्मी और सर्दी में कैसा माहौल होता था वहाँ? गर्मी में तो बहुत अच्छा रहता था, सर्दी में तो जाते ही नहीं थे हम लोग, स्कूल चले जाते थे। अच्छा, गर्मी में छुट्टी होती थी तभी जाते थे हम लोग। अच्छा, कोई एक ऐसा भयानक मोमेंट जो आपका वहाँ पे रहा हो? और भयानक क्या जो है, वहाँ पर देख करके बहुत लोग डर के मारे उसमें जाते नहीं थे। हाँ। कि कोई ये जो घड़ियाल उड़ियाल होते हैं सब। घड़ियाल थे उसमें? अब पता नहीं, लोग कहते थे। हाँ। कि वो कोई पकड़ ले, इसलिए डर के मारे बच्चे जाते नहीं थे उधर। अच्छा, वहाँ के आसपास कभी कोई पूजा पाठ या फिर कोई धर्म स्थल? पूजा पाठ का तो नहीं कोई उसके आसपास था, लेकिन गौ घर पूजा कहा जाता है गांव में। गांव के लोग वर्ष में एक आध बार पूजा करते हैं कहीं बाहर जा कर के जो है गाँव से, उसको देखा गया था। वो क्या होता है, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करिएगा। उसमें होता था कि यज्ञ वगैरह करते थे लोग और कुछ अपना ये सोखा ओझा रहते थे सब, वो खेलते थे सब जो है। और ये सब कुछ पशु बलि भी, सुअर उअर भी को काटते थे सब जो है, ऐसे भी देखा गया था जो है। अच्छा, अब आप जाते हो तो कैसा लगता है, कभी गए थे अभी जल्दी? अब तो हम 10-12 सालों से गए ही नहीं गांव अपने। हाँ, हमने जब से आश्रम का ये कर लिए इधर ही रहते हैं। तो आपके मित्र वगैरह कभी आते हैं मिलने के लिए? हाँ, मित्र कभी आ जाते हैं लोग मिलने। तो कैसी याददाश्त जब उनसे बात करते हैं, बचपन की बातें आती हैं कुछ? हाँ, जरूर आती हैं। कौन सी बातें ज़्यादा करते हैं आप लोग? और क्या करें, पढ़ने लिखने की विशेष बात होती है, अपना खेलने कूदने की बात हो पाती है, यह
है, यही सब होता था जी। कभी लगता है कि फिर से बचपन में जाना चाहिए उस तालाब में वापस? हाँ, लगता तो जरूर है कि जाना चाहिए। हाँ। लेकिन अब तो हम मुक्ति मार्ग के पथिक हैं, तो अब कोई बहुत उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। हाँ। अब तो इसके तरफ हैं हम। अच्छा, तो आपके हिसाब से नदियां तालाब हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो कभी आपके मन में हुआ कि हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, और तो क्योंकि अब संन्यास जीवन में हैं तो वेदों में भी नदी तालाबों के बारे में बड़े नियम लिखे हैं, तो क्या हमें उसे उस संस्कृति को वापस लानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये संस्कृति जो लुप्त हो रही है उसको लाने के लिए पूरा यत्न करना चाहिए, और आवश्यक है, जल ही जीवन है, इसलिए इस प्रकार ही होना चाहिए जी। बहुत बढ़िया।